बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक वाक्य मैंने आपके साथ शेयर किया अभी एक दिन पहले ही, जिसमें मैंने आपको गुजरावाला में एक नौप्याता जोड़ा था। यंग से लड़का और लड़की हैं, बहुत ही कम उम्र है, और ये दोनों जो है ये शादी करते हैं। लाइबा इस लड़की का नाम है, और मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये बच्ची जो है इसकी बचपन में अपने एक कज़न के साथ नस्बत तय हुई थी, मंगनी एक तरह से, जैसा जुबान दे दी जाती है। और उसके बाद ये बच्ची जो है ये अपने वालिदैन के घर होती है। वो लड़का जो है वो ये सोचता है कि ये मेरी मंगेतर है, लेकिन वो लड़की किसी और को पसंद करने लगती है जो उनके मोहल्ले में रहता है लड़का, जिसका नाम होता है जैगम अब्बास। ये लड़की जब जैगम अब्बास को पसंद करती है और घर वाले जब राजी नहीं होते, तो ये लड़की उसके साथ भाग कर निकाह कर लेती है। लड़के के जब घर वालों को पता लगता है तो वो परेशान भी होते हैं। वो सोचते हैं कि किसी तरह इनकी सुलह कराई जाए और अब निकाह तो हो गया है, अब इस मामले को संभाला जाए। अपने लड़के के लिए वो परेशान भी होते हैं कि उसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे, और लड़का और लड़की को फिर वो घर से नहीं निकलने देते और सुलह की कोशिशें शुरू कर देते हैं। जब वो सुलह की कोशिशें करते हैं, तो इसी दौरान लाइबा की माँ जो है उनका इनके घर आना जाना होता है। अभी कहानी में एक बड़ा ही मुख्तलिफ मोड़ सामने आया है। मैंने आपको गुज़िश्ता जब भी कहानी बताई थी, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से लड़की को खाने पर बुलाया जाता है, और उसके बाद वहाँ पर ये अभी खाने की मेज़ पर बैठते ही है तो एक इसका कज़न, जिससे इसकी बचपन की मंगनी तय थी, वो दाखिल होता है और पिस्तौल लहराता हुआ और सबको वहां पर ढेर करता है, और उसके बाद वहां से फरार हो जाता है, और हमें बताया गया कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब कहानी बिल्कुल ही मुख्तलिफ सामने आई है। मुझे बड़ी हैरत हुई है कि माँ कभी इतनी संगदिल कैसे हो सकती है, अगर वाकई इसमें माँ का हाथ है। जिस तरह कि अभी तक लड़के की बहन ने वो तमाम गुफ्तगू सुनाई है जो उसने सुनी जब वो कॉल पे मौजूद थी, जब वहाँ पर ये तमाम तर खौफनाक खून की होली खेली जा रही थी, तो वो वाकयात जो है वो आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं। उससे मालूम होता है कि लड़की की माँ ने ये शातिराना चाल चली। मुझे लगता है कि हो सकता है उसकी माँ को ये सब पता ना हो और घर के मर्द जो है उन्होंने अपना ये बदला लिया, या फिर वाकई वही लड़का जो था उसने अपना बदला लिया। लेकिन अब लड़के की बहन क्या बताती है, उसकी जुबानी जरा मैं आपको ये कहानी सुनाती हूँ। ये जो लड़की की बहन है, बेसिकली ये कहती है कि हमारे भाई ने जब ये शादी की, पसंद की, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, हमारी वालदा चाहती थी सुलह हो जाए, और ये इन्होंने खुद से कर लिया, इनको पहले पता नहीं लगा, निकाह कर लिया, फिर उसके बाद बताया। फिर वो कहती है कि हमने घर में भी एक तकरीब की। फिर वो कहती है कि बड़ा ही तकलीफ का मुकाम है कि हम चाह रहे थे कि सुलह सफाई हो। वो कहती है कि इस लड़की की वालदा जो है लाइबा को फोन वीडियो कॉल किया करती थी, उससे बातचीत किया करती थी, और बातचीत करने के अलावा वो उसे राजी करती थी कि तुम घर आओ। उसकी एक खाला थी, वो भी उसे कहती थी कि तुम घर आओ, और इस तरह से ये बातचीत जो है इनके दरमियान मुसलसल चल रही थी। अच्छा, अब जब ये तमाम तर मामला चल रहा था तो ऐसा लगा कि वो वाकईतन सीरियस है और बच्ची की सुलह कराना चाहते हैं, यहाँ तक कि उसकी खाला ने उसे कहा कि तुम आना, मैं सब संभाल लूंगी। उसके बाद वो कहती है कि उसकी वालदा ने हमारे घर आना जाना शुरू किया, यानी कि जैगम अब्बास के घर लाइबा की वालदा ने आना जाना शुरू किया, प्यार मोहब्बत का इजहार किया बेटी से और उसे कहा कि घर लेकर आओ और हम इसे कुछ नहीं कहेंगे और हम मामला को सुलह सफाई की तरफ लेकर जाएंगे। अब ये कहती है कि मेरी वालदा को उन पर एतबार आना शुरू हो गया, इन्होंने कुरान पाक पर हाथ भी रखा और कहा कि हम इस किताब के सामने आपसे ये बात कर रहे हैं कि कुछ भी नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में वो कहती है कि मेरी माँ ने कहा कि जब आपने इतनी बड़ी बात कर दी, इस किताब से आगे क्या बात है। वो कहती है मैं अपने बेटे को, बेटी को लेकर आपके घर आऊंगी और हम सुलह सफाई करेंगे। अभी कहती है कि जब मेरी माँ की मुझसे बात हुई, यानी कि जैगम की बहन कहती है कि जब मेरी माँ की मुझसे बात हुई फोन पर, तो वो कहती है कि मैंने उनसे कहा कि आप मत जाइएगा, कुछ भी हो सकता है, लड़की वाले हैं, गम गुस्से में है, कुछ भी हो सकता है, आप मत जाएं, जैगम को मत लेकर जाएं। तो वो कहती है कि उस वक्त मेरी वालदा ने कहा अच्छा ठीक है मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन अगले दिन वो कहती है कि वो चली गई, लेकिन मुझे उन्होंने नहीं बताया था उस वक्त तक। अच्छा, वो कहती है जब मेरी वालदा वहां पर गई तो जैगम को भी तैयार किया, लाइबा को भी तैयार किया, कहती है कि इसके वालिद भी साथ गए, इसकी एक और भाभी है वो भी साथ गई, और ये सब के सब पहुंचते वहां इस लड़की के घर, लाइबा के घर। वहां पर वो कहती है कि वो दरवाजा खोलते हैं और अंदर उसकी वालदा को, जैगम को और लाइबा को ऊपर ले जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप जरा इधर रुके, हम आपको भी अभी बुलाते हैं, और दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। वो कहती है कि जब मेरी वालदा, जैगम और ये जो भाभी थी उसकी, यानी कि लाइबा ऊपर जाते हैं, तो उसके बाद ये जो है इसकी वालदा जो है लाइबा की, वो अंदर जाती है कि हम पानी छानी लेकर आते हैं। खाला कहती है हम अंदर से पानी छानी लेकर आते हैं, और इसी असना में वो कहती है कि मेरी माँ जो है मुझे फ़ोन करती हैं और मुझे बताती हैं कि हम इस वक्त लाइबा के घर में बैठे हैं। तो वो कहती है कि आप क्यों गई, मैंने आपको मना किया था। तो वो कहती है कि नहीं, हमने इतनी बड़ी उसने बात कर दी, हमने कहा हम आ जाते हैं। अब वो कहती है कि जिस वक्त मेरी वालदा ये बात कर रही थी, वो थोड़ी परेशान थी,
उन्होंने कहा कि हम तो ऊपर आ गए, लेकिन हमें परेशानी ये हो रही है कि तुम्हारे बाप को और तुम्हारे मामू भी उसके, यानी कि उसकी वालदा के भाई भी साथ आए थे और उसकी भाभी भी थी, उन सबको उन्होंने बाहर ही रोक दिया है, दरवाज़ा बंद कर दिया है। इसी दौरान में वो कहती है कि मैंने अपनी वालदा को फिर उनसे बातचीत करते सुना, मैंने अपने माइक की आवाज़ म्यूट कर दी, बंद कर दी, ताकि मैं सुनती रहूँ क्या गुफ्तगू हो रही है, और मेरी वालदा उनके साथ माफ़ी तलाफी कर रही थी। इसी अस्ना में वो कहती है कि एकदम से दरवाजे के जैसे कोई बड़े ज़ोर से दरवाज़ा खुला हो, गोली चलने की गालबन आवाज़ आई है। वो कहती है कि मैं चीखना शुरू हो गई, अपनी अम्मी को पुकारना शुरू हो गई कि क्या हुआ है क्या हुआ है, और उसके बाद वो कहती है कि एकदम से उनका फ़ोन जो है वो कहीं नीचे शायद गिरा या क्या हुआ और बंद हो गया। वो कहती है कि मैं बड़ी परेशान हुई, मैंने फ़ौरन अपने बाप को फ़ोन किया, भाभी को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि हम नीचे खड़े दरवाज़ा पीट रहे, ऊपर गोलियों की आवाज़ आई है। उसके बाद वो कहती है कि मैंने अपने भाइयों को फ़ोन किया और उनको कहा कि वहाँ जाओ, वो अपने चार और कज़न्स वगैरह को कि वहां पे फौरन पहुंचे, लेकिन वो कहते हैं कि जब हम वहां पहुंचे तो एकदम से धड़ाम से दरवाजा खुलता है और उस घर के अंदर से चार नौजवान जो हैं वो पिस्तौल लहराते हुए गोलियां चलाते हुए बरामद होते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं, ये उसने बताया। अब यहाँ पे मामला ये है कि उसका ये कहना है कि वो जो कत्ल करने वाले लोग थे वो पहले से अंदर मौजूद थे, जबकि जो मैंने पुलिस के मुताबिक जो मेरी बातचीत हुई थी और जो मैंने चीज़ें इकट्ठी की थी उसके मुताबिक ये बात सामने आई थी कि ये लड़का जो है, जो कि इसका बचपन का मंगेतर है, जिसने इस बात का इकरार किया है कि हाँ उसने ये कत्ल किया है, ये लड़का जो है ये बाहर से अंदर आया है। लेकिन इसकी बहन का ये कहना है कि मेरा भाई जो है और मेरी भाभी यानी कि लाइबा और इसकी वालदा अंदर चले गए थे, बाहर हमारे घर वाले खड़े थे और वो दरवाजे पीट रहे थे, क्योंकि थोड़ी देर बाद जब दरवाज़ा नहीं खुला था और उसके बाद जब गोलियों की आवाज़ आई थी तो वो दरवाजे पीट रहे थे, लेकिन दरवाजे को नहीं खोला गया था। अच्छा, अब ये बताती है, इसकी बहन बहुत रो रही थी, अपनी कभी माँ को याद करती थी, कभी अपने भाई को याद करती थी, वो कहती कि इतने संदिल हैं कि उन्होंने ऐसे गोली मारी कि सीने के आर पार हो गई, एक तरफ से अंदर गई, दूसरी तरफ से सुराख करती बाहर चली गई। कहती कि मेरा भाई इतना नाजुक सा था और इतना खूबसूरत था और इतना अच्छा, उसको तैयार करके मेरी माँ ने उसको साथ लेकर गई थी कराने उसकी शादी की, तो अभी हमने अरमान भी पूरे नहीं किए थे। और वो बताती है कि जब उसका भाई जो लड़का जैगम अब्बास है, उसका भाई जो है जो वहां पर वक्फे पे पहुंचा था, उसने वहां के मनाजिर बयान किए। वो कहता है कि जब हम वहां पर पहुंचे, हम ऊपर भागते हुए पहुंचे, मैं अपने कजन के साथ उनके साथ में ऊपर भागता हुआ पहुंचा तो मैंने वहां पर देखा कि जैगम चारपाई पर पड़ा हुआ था और उसकी सांसें नहीं चल रही थी, उसका खून बिखरा हुआ था और लाइबा जो है वो ज़मीन पे पड़ी थी और वो उस वक्त तड़प रही थी, उसकी सांसें चल रही थी। वो कहती है मेरी वालदा एक तरफ कुर्सी पर थी और उनकी भी डेथ हो चुकी थी, उनका भी खून बह रहा था। और कहती कि अंदर औरत, वो इसके भाई कहते हैं कि हमने अंदर औरतों को ये कहते सुना कि इनमें से शायद किसकी सांस चल रही है, उसको तो बचा लो, कोई इस तरह की एक आवाज़ भी आई। बहुत ही अफसोसनाक है। पहले तो मैं समझती हूँ कि हमारा दीन इजाज़त देता है कि बच्चों की पसंद नापसंद का ख्याल रखा जाए। जब वो लोग आपसे सुलह करने के लिए आ रहे थे तो आपको उनकी सुननी चाहिए थी, मौका देना चाहिए था, कुरान पाक पे भी हाथ रख के भी आपने इस तरह का काम किया, अल्लाह ने आपको इस बात की इजाज़त नहीं दी। ये कौन सी गैरत, ये कौन सी इज्जत? वो गैरत जिसका जनाजा आपके घर से उठा, वो गैरत जिस पर अब हर कोई आवाज़ उठाएगा, वो गैरत जिस पर अब हर जगह पर बात होगी, हर चैनल पर गुफ्तगू होगी, उस गैरत के लिए मुझे यकीन नहीं आता कि कोई माँ इतनी संगदिल हो सकती है। माएँ तो अपने बच्चों के बड़े बड़े गुनाह माफ़ कर देती हैं। ये तो इस बच्ची ने एक गलती कर दी थी, अगर शादी की थी ना उसने तो कबूल कर लेते, अल्लाह पसंद करता है इस बात को। अल्लाह ताला हमें हदायत दे और इस तरह से जिस तरह हम देख रहे हैं कि आमना का जो केस है जिसमें फरहान ने किस तरह से रईस को न सिर्फ ये कि मारा बल्कि उसे जला डाला, हम खुद ही मुंसिफ बन जाते हैं, खुद ही काजी बन जाते हैं, खुद ही जज बन जाते हैं और हम वो सजाएं देते हैं जिसकी हमें हरगिज़ इजाज़त नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा। मैंने कहा इस स्टोरी का जो एक और रुख सामने आया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ, अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है, मज़ीद जो चीज़ें सामने आएंगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।